किसान आंदोलन चर्चाओं में है। ऐसे में न्यूज फोल्डर संवाददाता किरण शर्मा ने बुराड़ी ग्राउंड में किसानों के बीच रिपोर्टिंग की। ये दिन भी बाकी दिनों की तरह सामान्य ही था। गुरु की लंगर सेवा जारी थी। और पंगत प्रसाद ले रही थी। दोपहर के समय पंजाब से देसी दवाइयों की सेवा लेकर सेवादार पहुंचे। जिनको दवाइयों की जरूरत थी उन्होंने यहां से दवाई भी ली। जैसे जैसे समय बीता दोपहर के वक्त कुछ नए आंदोलनकारी किसान पंजाब से बुराड़ी ग्राउंड पहुंचे। कंधे पर लदा सामान इस बात की बानगी था कि ये लोग अब यहीं रहेंगे। और जिस तरह किसानों का आना अभी जारी है उससे निश्चित रूप से एक बात तो साफ है कि आंदोलनकारी किसान और सरकार के बीच जितनी भी वार्ता हुई उनके कोई नतीजे नहीं निकाले जा सकते। सरकार और किसान आमने सामने हैं। आज बुराड़ी ग्राउंड में करीब बीते 4 सप्ताह से किसान आंदोलनकारी डटे हुए हैं। यहाँ से कुछ किसान अलग अलग बॉर्डर पर चले जाते हैं और शाम को लौट आते हैं। देखना ये होगा जैसे जैसे समय बीत रहा है इस आंदोलन पर लोगों का ध्यान बढ़ रहा है। मैं किरण शर्मा, न्यूज़ फोल्डर, दिल्ली।